वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड गपशप। आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट और आपके दोस्त काजोल। आ गया पठान, छा गया पठान, खत्म हुआ इंतजार। 4 साल के लंबे वक्त के बाद शाहरुख खान ने सिल्वर स्क्रीन पर दस्तक दे दी है। 2023 की सबसे बड़ी फिल्म पठान थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। फिल्म देखने के लिए फैंस सुपर एक्साइटेड है। सिनेमा घरों के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई है। किंग खान के फैंस के बीच तो जश्न का माहौल है, क्रेज देखा जा रहा है, क्योंकि किंग ऑफ रोमांस इस बार फुल ऑन एक्शन अवतार में दिख रहे हैं। तो आइए जानते हैं पठान को लेकर दर्शकों का कैसा रिएक्शन है और सिनेमा घरों के बाहर कैसा माहौल है। पठान में शाहरुख खान रॉ एजेंट बने हैं। वे देश को बचाने के लिए दुश्मनों से लड़ते दिख रहे हैं। शाहरुख का फिल्म में अब तक का सबसे अलग और अनोखा अवतार दिख रहा है। वो फुल एक्शन मोड में है। शाहरुख ने अपनी बॉडी पर भी काफी मेहनत की है। दीपिका संग शाहरुख की केमिस्ट्री देखने लायक है। जॉन अब्राहम भी फिल्म में लीड रोल में है। पठान फिल्म के रिलीज के साथ ही जगह जगह फिल्म को लेकर विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है, लेकिन शाहरुख और फैंस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फैंस तो पठान के रिलीज का जश्न मना रहे हैं। इस वीडियो में देखिए कैसे शाहरुख के फैंस सीटें छोड़कर झूमे जब पठान गाने पर थिएटर में रखने के लिए मजबूर है। कर्नाटक के कलीबुर्गी में पठान फिल्म की स्क्रीनिंग का विरोध किया गया। प्रदर्शनकारियों ने क्षेत्रीय थिएटर के सामने फिल्म का विरोध किया। सभी सिनेमाघरों के बाहर पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई। कर्नाटक के बेलगावी जिले में स्वरूप थिएटर के सामने भी पठान फिल्म के रिलीज का विरोध हुआ। हिंदू समर्थक कार्यकर्ताओं ने स्वरूप थिएटर के बाहर फिल्म के पोस्टर फाड़े, उन्हें जलाया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। लेकिन जो क्रेज है शाहरुख खान का, वो रुकने वाला नहीं है। शाहरुख खान की फिल्म पठान की रिलीज के बाद जहां फैंस के बीच जश्न का माहौल दिख रहा है, तो वहीं इंदौर के सिनेमाघरों में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन शुरू हो गया। सिनेमाघर के बाहर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता हाथ में झंडे लेकर और साथ ही साथ डंडे लेकर शो को रुकवाने पहुंचे हुए हैं। लेकिन जो शाहरुख के फैंस हैं, वो डटे हुए हैं, क्योंकि टिकट्स इतनी महंगी बिक रही हैं, शोज फुल चल रहे हैं। खासकर कि अगर नॉर्थ इंडिया की हम बात करें, तो नॉर्थ इंडिया में अच्छा खासा रिस्पॉन्स पठान को मिल रहा है। पठान फैंस की उम्मीदों पर खरी साबित हो रही है। फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाले लोग पठान की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। शाहरुख ने पठान से फैंस के दिल जीतने के साथ बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। एक फिल्म प्रोड्यूसर ने पठान को आउटस्टैंडिंग बताया। उन्होंने फिल्म को 4.5 स्टार दिए हैं। फिल्म रिव्यू करते हुए उन्होंने पठान की तारीफ में लिखा, पठान एक मजबूत कहानी के साथ हाई वोल्टेज एक्शन ड्रामा है। फिल्म में शानदार तरीके से कहानी बताई गई है। शाहरुख खान की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण भी अच्छे हैं। फिल्म में कई सरप्राइज और कई ट्विस्ट हैं। फिल्म क्रिटिक सुमित कडेल पठान देखकर बाप रे बाप कहने को मजबूर हो गए हैं। उन्होंने पठान के सीक्वेंस की तारीफ की। उन्होंने लिखा, भारतीय सिनेमा के इतिहास में अब तक के बेहतर सीक्वेंस में से एक है। थिएटर को स्टेडियम बना दिया, बाप रे बाप क्या एक्शन दिखाया। मुंबई पुलिस ने पठान फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन की धमकी देने वाले बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को एहतियाती नोटिस भेजा है। दरअसल बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मुंबई के सिनेमाघर मालिकों को एक दिन पहले फिल्म पठान रिलीज न करने को लेकर नोटिस दिया। लेकिन अगर आज आप मुंबई की सड़कों पर निकलेंगे, महाराष्ट्र में निकलेंगे, तो पठान को देखने के लेकर क्रेज जो है वो आपको दिख जाएगा। फिर पठान को धमकी मिलने के बाद मुंबई के अंधेरी पीवीआर के बाहर पुलिस की तैनाती कर दी गई। यानी सुरक्षा भी है, क्रेज भी है, लेकिन पठान को देखने के लिए एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है। पटना में पठान का पहला शो देखने के लिए शाहरुख के फैंस सुपर एक्साइटेड है। सिनेमाघरों के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई है। पठान सिनेमाघरों में लग चुकी है। पठान का फर्स्ट डे फर्स्ट शो शुरू हो चुका है बहुत देर पहले ही। फैंस समेत पठान की पूरी टीम सुपर एक्साइटेड है। यशराज फिल्म्स के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर पोस्ट शेयर किया गया, जिसमें लिखा गया है कि पार्टी और पठान का वक्त आ गया है। विशाल ललानी की लोगों से खास अपील। पठान को लेकर विशाल ने लोगों से खास अपील की। उन्होंने कहा कि कोई स्पॉइलर नहीं है, कोई तस्वीर नहीं, कोई वीडियो नहीं। कृपया पायरेसी के खिलाफ लड़ाई का समर्थन करें और ऐसे किसी भी अकाउंट को रिपोर्ट करें जो ऐसे कोई भी पोस्ट करता है। वहीं कटरीना ने शाहरुख दीपिका को खास अंदाज में विश किया। कटरीना कैफ ने शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण को पठान के लिए गुड लक विश किया है। यानी कितने दिनों से जो विरोध चल रहा था, वो आखिरकार आज खत्म नहीं हुआ है, लेकिन पठान जरूर रिलीज हो गई है और पठान छा गया है। फिलहाल इतना ही। आप देख रहे हैं बॉलीवुड गपशप।